नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे गोसिया, जमात अहले सुन्नत, अंजुमन ताजरान, गुलामान मुस्तफा, तारी तारक शेख, हां मैं मुतबा तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामा गया, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामा गया, नेमते जी जमात अहले सुन्नत मुल्तान डिवीजन और अंजुमन ताजरान सब्जी मंडी के जेरे तमाम स्वीडन में होने वाली कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जो है एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसकी क्यादत जमात अहले सुन्नत मुल्तान डिवीजन के नाज़िम आला अलामा कारी फैज़ अब्द रिजवी ने की। इस मौका पर काजी बशीर अहमद गोलरी, कारी रुकनुद्दीन और समेत दीगर जो जमात अहले सुन्नत के रहनुमा थे उन्होंने शिरकत की। इसके अलावा अंजुमन ताजरान सब्जी मंडी के जो अहदेदार थे नदीम कुरैशी और दीगर हैं वो भी अपने दीगर अहदेदारों के साथ इस जो है एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हुए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए अंजुमन ताजरान और जमात अहले सुन्नत मुल्तान डिवीजन के अहदेदारों ने कहा है कि जी सर, जो स्वीडन के अंदर जो स्वीडन के अंदर बेहुरमती की गई है वो आलम इस्लाम के जज्बात को उभारने के लिए की गई है, और हम ये पैगाम देना चाहते हैं स्वीडन वालों को और यूरोप के ममालिक को, वो चाहते हैं कि हम इस्लाम के खिलाफ जितनी साजिश करेंगे इनके दिलों से मोहब्बत निकल जाएगी। लेकिन मैं ये बावर कराना चाहता हूँ पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से यूरोपियन यूनियन को और उनके ममालिक को कि आप जितना भी चाहते हैं कि मुल्क के अंदर अमन हो, दुनिया के अंदर अमन हो, तो अमन कुराने करीम की इज्जत, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस और तहफ्फुज़ नामूस रिसालत में अमन है। अगर अमन चाहते हैं तो हम हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तहफ्फुज़ नामूस का भी तहफ्फुज़ करेंगे, कुराने करीम का भी तहफ्फुज़ करेंगे, वरना उनके इन ओछे हथकंडों से अमन कायम नहीं हो सकता। ये अमन को खराब करने वाले हैं, ये सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। इस्लाम हमेशा अमन पसंद है और दहशतगर्दी के खिलाफ हमेशा ये काम करता रहेगा। सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, सलातो वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। हजरत गिरामी, ये अजमत कुरान का मसला है, आज नहीं शुरू करें। मुशरिकीन मक्का ने भी कुरान के खिलाफ साजिशा की थी, हम अल्हम्दुलिल्लाह उमर भी नाकाम हुए हैं। अल्लाह का कुरान फरमाते हैं, वैन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरति मिन मिस्लिही वदू शुहादाकुम मिन दूरिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। क्योंकि मुशरिकीन मक्का ने जदा साजिश करना शुरू की थी कुरान पाक के बारे के अंदर, अल्लाह फरमाए तुम सारे इकट्ठे थे वो, लेकिन कुरान पाक की मिसल एक सूरत भी नहीं बना सके। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो भी नाकाम हो या हूँ, जेड़े बेईमान आए वो भी इंशाल्लाह नाकाम हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये एहतजाज जमात अहले सुन्नत के प्लेटफॉर्म से, और इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी तहरीक और दीगर तंजीमें अहले सुन्नत की तमाम एहतजाज कर रही हैं उस बदबख्त स्वीडन मुल्क के खिलाफ जिन्होंने हमारे रब के पाकीज़ा कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद को नजर आतिश करने की नापाक जसारत की है। हम इस सिलसिले में अपने मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों से ये सवाल करते हैं कि आज तक तुमने क्या किया। 57 इस्लामी ममालिक के हुक्मरान अगर कोई इत्तेहाद कायम करते, अगर कोई इत्तेहाद कायम करते तो ऐसा वक्त कभी ना आता। और वो जो आलमी कवानीन बने हैं मजहबी मुनाफरत के हवाले से, वो मजहबी मुनाफरत के कवानीन सिर्फ जो है उनका हम पर ही लागू होना होता है या दूसरी दुनिया पर भी उनका वो लागू होते हैं? उनका क्या बना, उन कवानीन में जो है कौन कौन उनकी जद में आता है? क्या जो इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम शायर इस्लामिया के खिलाफ, कुराने पाक के खिलाफ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो बकवास करते हैं या बेहुरमतियां करते हैं उनके खिलाफ वो मजहबी मुनाफरत के कवानीन काम नहीं करते या उन पर अमल पैरा नहीं किया जा सकता हो सकता? तो हम ये अपनी मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों से जो है कह रहे हैं कि अपनी बेहिसी छोड़कर दीन इस्लाम को अपना जो है शुआर बनाकर, दीन इस्लाम का झंडा थाम कर अपना इत्तेहाद कायम करें और काफिरों को बता दें कि हम मुस्लिम उम्मा के हुक्मरान जो है तुम्हारे सर पर, तुम्हारे
हमारे पहरेदार खड़े हैं, इंशाल्लाह फिर आवाम को सड़कों पर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों ने अपना इत्तेहाद कायम कर लिया। अल्लाह ताला हमारे मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों को ये तौफीक और सआदत अता फरमाए कि वो अपना एक इत्तेहाद कायम करें ताकि जो है मुसलमान अपने दीन इस्लाम के अंदाज से अपने खुशी खुशी जो है अपने मामला मुकम्मल करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ, आपने शफकत फरमाई, जज़ाकुमुल्लाह। स्वीडन हुकूमत आज जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान मुल्तान डिवीजन और अंजुमन ताजरान सब्जी मंडी सुन्नी तहरीक और जितनी आका के गुलाम हैं सब ये नारे लगा रहे हैं कि स्वीडन हुकूमत ने कुरान मजीद को नजर आतिश करके और उसने कुफर की आवाज को बुलंद किया है, हम उसे मुर्दाबाद कहते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, साहेब कुरान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का हर मुसलमान जिंदाबाद। जी स्वीडन हुकूमत के खिलाफ जो है पाकिस्तान का बच्चा बच्चा सड़कों के ऊपर है एहतजाज कर रहे, एहतजाज का जो मकसद यही है कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती करने वाले जो नासिर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि जिन लोगों ने उम्मत मुसलमान के दिल को ज़ख्मी किया है, उलमा मुसलमान के गमगीन किया है, उनको कुछ सुकून आ सके, क्योंकि उम्मत मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन कुरान पाक और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कैमरामैन शबीर भट्टी के साथ राणा इरफान इस्लाम, इन्फो न्यूज़, मुल्तान।